नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं हार्दिक पटेल की। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट के माध्यम से इसका संकेत भी दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज के हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। दरअसल पूर्व कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कई दिनों से चल रही हैं। हाल ही में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने हिंदुओं और भगवान राम के खिलाफ अपमानजनक और घृणित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला किया था। पटेल ने गुजरात कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष की आलोचना करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही ईंटों पर कुत्ते पेशाब करते हैं। हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया कि मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए काम करती है, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। आज एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के नेता ने एक बयान दिया कि राम मंदिर की ईंटों पर कुत्ते पेशाब करते हैं। हार्दिक ने कहा कि मैं कांग्रेस और नेताओं से पूछना चाहता हूं कि भगवान श्री राम से आपकी क्या दुश्मनी है, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान राम के खिलाफ बयान देते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि गुजरात कांग्रेस के नेता गुजरात के वास्तविक मुद्दों को उठाने के लिए बहुत कम परेशान हुए, लेकिन वे यह सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि गुजरात में दिल्ली से आने वाले नेताओं को समय पर चिकन सैंडविच मिले। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने एसी कक्षों में बैठकर उनके राजनीतिक प्रयासों को बाधित करने की कोशिश की है। हार्दिक 2015 में राजनीतिक केंद्रीय मंच पर पहुंचे, जब उन्होंने गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया। 2017 के राज्य विधानसभा चुनाव में वह जीतकर विधायक बने। उन्होंने पाटीदार समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की मांग की। इसके बाद इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की मांग के बदल गया। राज्य में राजनीतिक परिदृश्य पर उनके उभार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को मुश्किलें में डाल दिया था। 2017 में आनंदीबेन पटेल ने पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पटेल राहुल की गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस शामिल हुए थे। तब उन्हें 2020 में गुजरात में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के दौरान उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया और 19 मई 2022 में पार्टी छोड़ दी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।